कुछ लोग मतलब इस तरह ही होते हैं, अच्छी नेचर होती है उनकी और मतलब पूरी लाइफ लॉन्ग सबकी हेल्प करते रहते हैं, लेकिन जैसे कई बार इस तरह के इंस्टेंस देखने मिलते हैं कि एट द एंड ऑफ द लाइफ वो खुद कहीं स्टक फील नज़र आते हैं या फिर स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनका नेचर लेट्स से कि कोई नौकर भी उनके घर पे है उसके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन मतलब ऐसा लगता है जैसे शायद ये जो वे ऑफ लाइफ है शायद उससे फाइनली वो एंड अप लूज़र या फिर प्रॉब्लम्स में घिरे पाते हैं, उसके बजाय एक दूसरे लोग होते हैं वो दूसरों की तो हेल्प करते हैं लेकिन अपने आप को भी समझदारी से जीवन जीते हैं या मतलब जो भी कहना चाहिए अपनी चीज़ों को भी करके चलते हैं, और बाकी तीसरे तो जो किसी की हेल्प करते नहीं वो अलग चीज़ है। तो फर्स्ट कैटेगरी के बारे में आपके क्या मतलब कि क्या वो सही है गलत है वो लोग जो इस तरह का रखते हैं? समझाओ मुझे बात को। सर तो दूसरे की मदद करी, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर वो किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं करता है, जैसे हर जगह एक सिंपल वे में लोगों को एक्सेप्ट करना ठीक है, चीज़ें अपने आप को एडजस्ट करते चलना, ठीक है। तो लेकिन फाइनली ऐसा लगता है शायद वो वे को लॉस्ट कर देते हैं मतलब अपने, या फिर वो खुद ही ये कैसे चीज़ों पता तुम्हें? उन्हें दुख होता है? नहीं, ये भी नहीं पता सर उन्हें दुख होता है कि नहीं होता। तो उनकी स्थिति को लेकर के तुम्हें समस्या है या शंका है, इसका मतलब उनकी स्थिति में तुम्हें कुछ तो गलत दिखाई देता होगा ना। तो ठीक है कोई ऐसा जिसने जीवन भर दूसरों की मदद ही की, अब उसकी स्थिति में तुम्हें क्या है जो बुरा या आपत्तिजनक लग रहा है? मुझे कई बार लगता है कि उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपनी लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाते या वो कहीं पे फंसे हुए होते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई जो लोग दूसरों की हेल्प करते थोड़े ज़्यादा स्मार्ट होते वर्ल्डली सेंस में औरों की तरह या क्लेवर कह सकते हैं, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो शायद ज़्यादा अच्छा फील करते थे। स्टोरीज भी पढ़ते हैं कई बार, कई लोग कहते हैं यार मेरे पापा हेडमास्टर थे सबको फ्री पढ़ाते थे या ये वो, और मतलब इस तरह इधर पर्सनली भी इस तरह के केस तो ठीक जहाँ। है, किसी ने बहुत लोगों की मदद करी, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाओ, फिर क्या हुआ? सर उसने मदद करी लेकिन वो दूसरों की मदद करता चला गया, अपने जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे उन पे ध्यान नहीं रहा कि यार मैं इनका क्या चल रहा है या मैं जो भी चॉइसेस ले रहा हूँ इनका भी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा देखो, मतलब। मदद करने में ये भी शामिल होता है कि तुम्हें पता हो कि किसकी मदद करनी है और कैसे। मदद करना कोई अंधी प्रक्रिया नहीं होती, और न ही वो स्वार्थ या कामना या प्रतिष्ठा से जुड़ी चीज हो सकती है। अगर आप अपने परिवार वालों को छोड़ करके, जिनकी समस्या, जिनका दुख दर्द या जिनकी स्थिति आपको दिन में 12-15 घंटे दिख रही है, आप उनको छोड़ करके किसी ऐसे की मदद करने में ज़्यादा उत्सुक हैं जिसकी हालत आपको हफ्ते में 1-2 घंटे ही दिखाई देती है, या जिसकी स्थिति से आप बहुत आत्मीयता से या स्पष्टता से परिचित भी नहीं हैं, तो इससे तो ये पता चलता है कि आपका आशय मदद करने का कम है और प्रतिष्ठा अर्जित करने का ज्यादा है। भाई अगर कोई अपने ही बच्चे की मदद करे तो वो बड़ा थोड़ी कहलाएगा, क्योंकि ये तो बड़ी साधारण सी बात होती है कि कोई अपने ही बच्चे की या पिता की या पत्नी की या बंधुओं की मदद कर रहा है, तो इस बात का उसे कोई श्रेय तो मिलेगा नहीं। श्रेय कब मिलता है? दानवीर कब कहलाते हो? विश्व बंधु कब कहलाते हो? जब बाहर निकल करके जाओ और दूसरों की मदद करो। अब ये तो कोई मदद हुई नहीं कि जो ठीक सामने है तुम्हारे, तुम उसको छोड़ करके 5 गांव दूर वाले की मदद कर रहे हो या 5 देश दूर वाले की मदद कर रहे हो।
मुझे 5 गांव दूर वाले की मदद करने से कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं समझना ये चाहता हूं कि अगर मदद करने का भाव तुम में इतना ही सघन था तो तुम्हें वो क्यों ना दिखाई दिया जो तुम्हारी नाक के ठीक नीचे था। अगर तुम्हारे हृदय में सहायता की इतनी ही उत्कंठा थी तो सर्वप्रथम तुमने किसकी सहायता की होती निकट वालों की जैसे जो तो सामने था। इसका मतलब भाव शायद सहायता करने का थोड़ा कम था, और श्रेय और कीर्ति और यश लेने का थोड़ा ज्यादा था। तो तुमने कहा चलो हम दूसरी बस्ती में जाके मदद करते हैं, फिर हमारे नाम का झंडा फहराएगा। दीपक तले अंधेरा कर गए, न जाने कहां रोशनी करने गए। पर याद रखो, दीपक से जितनी दूर जाओगे रोशनी वैसे भी कम होती जाएगी। बहुत दूर जाकर के मदद करने की कोशिश करोगे तो सफल वैसे भी नहीं हो पाओगे। जहां हो शुरुआत वहां से करो ना। और जानते हो तुम कहाँ हो? तुम सबसे पहले ना अपनी पत्नी के साथ हो, ना पिता के साथ हो, ना बच्चों के साथ हो। तुम सर्वप्रथम किसके साथ हो? अपने साथ हो। मदद करनी है तो सबसे पहले अपनी मदद करो, फिर जो निरंतर तुम्हारे साथ रहता है। साथ से मेरा आशय पूर्णतया भौतिक रूप से है, सीधे सीधे। जिसकी शक्ल तुम दिन में 10 घंटे देखते हो, उसकी मदद करो। ये थोड़े ही कि दुनिया भर की 50 तरीकों से तुम जा रहे हो मदद करने, और घर में बेटा बेटी वो अंधे ही हैं, उन्हें कोई योगदान नहीं दिया। ये एक बात हुई। अब इससे जुड़ी दूसरी बात समझना। वास्तविक सहायता सदा निष्काम होती है। निष्काम समझते हो? कि तुम उसके प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं रखते। तुम ये कहकर के सहायता नहीं देते कि मुझे एक दिन इसका प्रतिसाद मिलेगा। आज तेरी मदद करी है और एक दिन जाकर के तुझसे मुझे कुछ मुनाफा होगा, या तो तू खुद आकर के मुझे ब्याज देगा, नहीं तो मैं वसूलूंगा। जो सहायता इस भाव के साथ हो कि एक दिन मुझे पलट करके इससे मुनाफा होगा, वो सहायता सहायता नहीं है, वो तो निवेश है। वो तो ऐसा है कि जैसे तुमने बैंक में या शेयर में पूंजी लगाई हो, जैसे तुमने किसी को ब्याज पर कर्जा दिया हो कि आज तुझे दे रहा हूं और कल सूद समेत वापस आना चाहिए, पूरा वसूलूंगा। फिर तुमने सहायता थोड़ी करी है, तुमने व्यापार कराया, फिर तुमने प्रेम थोड़ी दिखाया है, तुमने सौदा कराया। तो ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं कि सहायता के एवज में किसी को दुख कैसे मिल सकता है। दुख तो उम्मीदों के टूटने पर ही मिलता है, मानते हो? तो तुमने सहायता करी और उम्मीद रखी कि कल ये बोलेगा ये बड़े बाबूजी हैं, इन्होंने मेरी सहायता करी थी कभी, या जीवन भर अब वो तुमसे नत रहेगा या चरण स्पर्श करेगा, ये सब तुमने माना था सहायता करके। और जितना तुम ये चाहोगे कि जिसकी सहायता कर रहे हो वो नमित रहे तुम्हारे आगे, संभावना उतनी ही बढ़ेगी कि वो तुम्हें दो धेले का नहीं समझेगा, क्योंकि वो भी जान जाएगा कि इन्होंने सहायता वगैरह नहीं करी थी। इनका आशय तो मुझे दबाने का था कि आज सहायता कर दो और फिर आगे के लिए इस पर हावी हो जाओ। उम्मीद के साथ जो सहायता की जाती है वो सहायता दोनों तरफ से भारी पड़ती है। ना तो तुम सहायता कर पाते हो, ना उसे सहायता मिल पाती है, और ये तो दूर की बात है कि तुम्हें उस सहायता के उत्तर में वो सब कुछ मिल जाएगा जो चाहते हुए तुम सहायता कर रहे हो। जिन्हें सहायता करनी हो, हमने कहा वो सर्वप्रथम अपनी सहायता करें, और अपनी सहायता ये होती है कि भीतर से भरपूर रहो। अब भीतर से अगर भरपूर हो तो दूसरों की मदद कर सकते हो। फिर तुम मदद करोगे और आगे बढ़ जाओगे, फिर नाम भी नहीं पूछोगे उसका।
बात समझ रहे हो? और अगर तुम सहायता करते हो और मन में ये बात अंकित रह जाती है कि मैंने इसकी सहायता करी थी, तो याद रखना कि मन में कोई बात यूं ही अंकित नहीं रह जाती। मन में वो बात इसलिए ठहर गई है ताकि आगे कभी तुम वसूली कर सको, ताकि आगे कभी तुम ऋण पर ब्याज कमा सको। नहीं तो तुम नेकी करते और दरिया में डाल देते, जैसी कहावत है। और जैसी कहावत है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले, चुपचाप देते आगे बढ़ जाते, नाम भी क्यों पूछते कि किसको दिया। तुम मस्त हो, तुम यही रेत पर खेल रहे हो और मगन हो तुम। और फिर कोई तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे हाथ में अपना कैमरा देता है, कहता है मेरी एक फोटो ले लो। तुम कैमरा लेते हो, उसकी फोटो खींच देते हो, उसके हाथ में कैमरा लौटा देते हो, और फिर तुम अपना खेलने में मगन हो जाते हो कि नहीं, बोलो। या तुम कहते हो कि अब तू अपना नाम बता, अब जरा तू ये स्टाम्प पेपर पे साइन कर कि फलाने दिन मैंने तेरी मदद करी थी, ये सब करते हो क्या? तो वास्तविक मदद ऐसी ही होती है कि खेलते खेलते तेरा काम कर दिया और हम अपने खेलने में मस्त हो गए। हमें क्या पता तू कौन था, हमें लेना देना क्या, हमें धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं। ये तो छोड़ दो कि तुम्हें रुपए पैसे की अपेक्षा हो, तुम्हें अगर इतनी भी उम्मीद है कि दूसरा कृतज्ञ अनुभव करेगा तो तुमने सहायता नहीं करी है, व्यापार कराया। और व्यापारी को कभी सौदों में शांति तो मिलती नहीं, मुनाफा मिल सकता है धन का। आज तक कोई व्यापारी देखा है जिसने शांति कमाई हो? तो बस फिर तो ये बड़ा पुराना रोना है जमाने का। और खूब ये लोग रोना रोते हैं कि हमने तो देखो भाई बहुत भला करा, और दुनिया जो है बड़ी कमीनी है, हम जितनी भलाई करते गए दुनिया हमारे साथ बुराई करती गई। खूब सुना है कि नहीं? खास तौर पे बुजुर्गों से सुनोगे तुम ये बातें। और फिर वो कहते हैं कि अब तो ये सिद्ध हो ही गया है कि अगर भलाई करो तो नतीजे में बुराई मिलती है, तो हम क्या करेंगे, अब हम जरा बुराई ही करेंगे। बढ़िया है, अब तुमने अपने आप को अनुमति दे दी बुरा करने की। ये कह कह के कि भला करके भी क्या होता है? अरे तुम चाहते क्या थे कि भला करके हो? तुम दोनों बातें चाहते हो, तुम कहते हो कि मैं भला भी करूं और फिर भले का भला फल भी मिल जाए। जैसे कि भला करना अपने आप में काफी ना हो, भला करना अपने आप में पूर्ण होता है। उसके आगे उससे किसी फल की उम्मीद मत रखो। अगर तुमने सही किया है, शुभ किया है, भला किया है, तो वो घटना अपने आप में पूरी होकर के वहीं समाप्त हो गई। अब और कुछ मत मांगना। समझ रहे हो बात? जो अभी और कुछ मांग रहा है उसने भला किया ही नहीं। प्रेम का परिणाम नहीं मांगा जाता और भलाई पर ब्याज नहीं मांगा जाता। ब्याज तो छोड़ दो, मूल भी नहीं मांगा जाता। ये सब काम तो अपनी मस्ती में किए जाते हैं। अरे दिया, क्या किया? दिया किसको दिया? किसी को भी हमें क्या पता किसको दिया? कोई था, मांग रहा था, हमारे पास था तो दे दिया, और नहीं होता तो नहीं देते। ये भी तुमने कोई कर्तव्य थोड़ी बना रखा है कि अब किसी ने मांगा है तो कहीं से भी ला करके देंगे। भाई फिर मांगने वाले की भूल है, वो गलत आदमी से मांग रहा है। मांगने वाले को भी तो थोड़ा देखना होगा ना, जिसके पास है ही नहीं उससे मांगो और फिर वो बेचारा ग्लानि में जिए कि मैं दे नहीं पा रहा हूं, तो ये ग्लानि व्यर्थ है। नदी के पास बरसात में पानी होता है, तुम उससे पानी मांगते हो वो दे देती है।
और फिर चढ़ी गर्मी में नदी कई बार सूख जाती है। अब तुम उससे पानी मांगोगे तो नहीं देगी, नहीं दे पाएगी। अब इस बात पे क्या नदी को क्षोभ होना चाहिए? नदी पछतावा करे? बोलो, अरे भाई जब था तब दे देते थे और तब तुम जितना चाहते ले लेते, हम कोई रोकने आते थे। जब नदी चढ़ी होती है और पानी ही पानी होता है तो नदी तुम्हारे हाथ बांधती है कि इतना ही लो। जब था तब तुम पूरा ले जाते, अब जब नहीं है तो नहीं है। न देने में हम श्रेय लेते थे और न देने में हम ग्लानी लेंगे। जो श्रेय लेगा उसे ग्लानी भी उठेगी। बात समझ रहे हो? जो कीर्ति लेगा उसे प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। जो देने का सुख लूटेगा उसे न दे पाने का दुख भी उठाना पड़ेगा। तुम तो यूं ही दो, उसमें कोई सुख नहीं है, वो तो स्वभावगत बात है। नदी में पानी है, नदी ने दे दिया, इसमें बड़प्पन क्या? वृक्ष के पास फल है, उसने दे दिया, इसमें बड़प्पन क्या? हाँ, जिसे मिल रहा है उसे जरूर अनुग्रहित होना चाहिए। यह बात तुम्हें शायद समझ में ना आए। देने वाले को भूल जाना चाहिए और लेने वाले को याद रखना चाहिए। याद ऐसे नहीं रखना चाहिए कि लौटाऊंगा, याद ऐसे रखना चाहिए कि मुझे मिला है, अब बांटूंगा। यह ना करना कि जिससे लिया है उसी के पास पहुंच गए लौटाने, ये तो फिर तुमने अपनी ओर से सौदा कर लिया, फिर तुमने प्रेम भाव में थोड़े ही लिया, फिर तुमने कैसे लिया? जैसे साहूकार से उधार लेते हैं कि आपसे एक दिन लिया था, आज आपको लौटाने आए ना। जिसने दिया था उसे भूल जाना चाहिए और जिसे मिला है उसे आगे बांटना चाहिए। ऐसे चलना चाहिए संसार का व्यापार। इसमें किसी को न क्षोभ होता है, न ग्लानि होती है, न आकांक्षाओं के दमन की तड़प होती है। आचार्य जी, ये बात तो समझ में आ रही है जो आपने बताया कि क्या करना चाहिए। वो जो वास्तविकता है जो हम आज देख रहे हैं, उसमें दो तरह के लोग हैं, एक जो आशा में कुछ करते हैं और एक ये जो खाली अपने लिए कुछ करते हैं। आपने बताया कि खुद को भरपूर करने के लिए कुछ करो तो उसमें कोई गलती नहीं है। वो खुद को भरपूर करने के लिए नहीं करते हैं, वो खुद के लिए ऐसे ही करते हैं, ब्लाइंडली करते हैं, और एक आशा में करते हैं। तीसरी कैटेगरी तो दिखाई नहीं पड़ती है, जनरली दिखाई नहीं पड़ती, बहुत कम दिखती है। तो क्या हम एक ऐसे संसार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे केवल या तो लोग कुछ करें जो बिना किसी कारण के हो, या कुछ करें ही नहीं, तो फिर क्या होगा? देखिए, संसार ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि संसार एकाएक बुरा हो गया है, दुनिया ऐसी ही थी। हाँ, कभी थोड़ी ज्यादा बुरी हो जाती है, कभी थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाती है, जैसे लहरों का उठना और गिरना। पर ले देकर खेल तो प्रकृति के तीन गुणों का ही होता है। ना इंसान बदला है, ना इंसान का मन बदल गया है। हाँ, आबादी बढ़ गई है, तकनीकी का विकास हो गया है, ज्ञान का विस्फोट हो गया है, इत्यादि इत्यादि ये सब हो गया है। लेकिन ले देकर आदमी का चित्त मूलतः तो वैसा ही है ना जैसा सदा था। 5000 साल पहले और आज की स्थिति में सब कुछ बदल गया है, एक चीज नहीं बदली है। क्या? इंसान। इंसान की शक्ल 5000 साल पहले जैसी थी, आज भी वैसी ही है। उसके त्योरियां पढ़ी हुई है, उसकी आंखों में भय है, है कि नहीं है? उसके नथुने फूले हुए हैं, उसकी मुस्कुराहट झूठी है। वैसी ही तब थी, वैसी ही आज है। आप पहले के वृत्तांत पढ़ लो, चाहे आज का इंसान देख लो, कोई आपको मूलभूत अंतर थोड़ी मिलेगा। हाँ, बाकी सब कुछ बदल गया। बैलगाड़ी क्या बन गई? हवाई जहाज। कबूतरों पे संदेशे जाते थे, अभी ये मोबाइल लेके घूम रहे हैं। पहले ऐसे कोई बोलता था तो पेड़ों की छाल पर लिखा जाता था या ताम्र पत्र पर लिखा जाता था, और अभी बोल रहा हूं तो कैसे वो रिकॉर्ड हो रहा है?
तरह तरह के यंत्र हैं, एक नहीं दो तीन चीजों से चल रही है अभी रिकॉर्डिंग, तो वो सब बदल गया है। लेकिन अगर मैं होश में हूं तो मेरी बात क्या आज भी वही नहीं है जो आज से 5000 साल पहले के होशमंद आदमी की थी? बोलो। आज से 5000 साल पहले जिसने भी जागृति में जो कुछ भी बोला था, क्या मैं वही नहीं बोल रहा हूं? हाँ, उसके पास ये नहीं था और उसके पास वो सब रिकॉर्डिंग इत्यादि की सुविधा नहीं थी, लेकिन बात तो यही थी ना। बात यही क्यों थी? क्योंकि आदमी का चित्त वैसा ही है। तो आज का युग कोई विशेष नहीं हो गया। समय, काल, देश, परिस्थिति, ये सब ऊंच नीच चढ़ते गिरते रहते हैं। सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, क्या गिनती? आदमी तो आदमी है। और आदमी जब तक है तो उसका लक्ष्य एक ही हो सकता है, सर्वप्रथम ये जानना कि उसकी हालत और उसका हिसाब किताब क्या है। इसी को मैं कह रहा हूं अपनी मदद करना। और ये कोई स्वार्थ की बात नहीं है, और अगर होगी भी स्वार्थ की तो ये परम स्वार्थ है, ये परमार्थ है। तुम पहले अपनी सुध ले लो। तुम सर्वप्रथम अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने सारे संसाधन उन चीजों को दो जो तुम्हारा जन्म सार्थक करते हो, उसके बाद कहीं और निवेश करना, उसके बाद कहीं और जाकर के अपने आप को फूंक देना, लगा देना, जोत देना, जो करना हो करना। लेकिन जो कुछ भी है तुम्हारे पास, प्राण प्राण से उसको अपनी जागृति की सेवा में समर्पित करो। यही तुम्हारा प्रथम और ये भी कह सकता हूं एकमात्र धर्म है। जो इस धर्म का पालन कर रहा है उसके बाकी सारे धर्म अपने आप पूरे हो जाएंगे। ये परम धर्म है, इसके आगे बाकी सारे धर्म छोटे हैं। शास्त्र में बता गए हैं कि जो जागृत हो जाता है वो अकेले नहीं जागृत होता, उसका पूरा कुनबा तर जाता है, घर ही नहीं पूरा कुटुंब। और आदमी पैदा किस लिए हुआ है? आदमी पैदा इसलिए थोड़ी हुआ है कि जिंदगी बर्बाद करके यूं ही कोई धन में लौटता मर गया, कोई कीर्ति में लौटता मर गया, कोई अरमानों में, कोई सपनों में लौटता मर गया। आदमी पैदा इसलिए हुआ है ताकि, जैसा कबीर गुरु कहते हैं, मुट्ठी बांधे तुम पैदा हुए, आंसू बहाते तुम पैदा हुए, चीखे मारते तुम पैदा हुए, मरने से पहले ये मुट्ठी, ये मुष्टिका, ये ग्रंथि खुल जाए। तुम्हारे गले से चीखे निकल रही थी जब तुम पैदा हुए थे, मरने से पहले शांत हो जाओ, संसार के प्रति तुम में जो वासना और तड़प है उसका शमन हो जाए। जो अज्ञान का पिंड पैदा हुआ था वो ज्ञान में आलोकित हो जाए, मरने से पहले ये कर लो, नहीं तो जीवन व्यर्थ गया। और जो मरने से पहले ये प्राप्त कर लेता है उसका आलोक उस तक सीमित नहीं रह जाता, उसका आलोक स्वमेव उसके पूरे कुटुंब तक फैलता है। और कुटुंब की भी कोई सीमित परिभाषा नहीं है, ऐसा नहीं कि कुटुंब माने 5 जने या 50 जने ही बस, और सुधायो कुटुंब कम, पूरी दुनिया में फैलता है। लेकिन फैलेगा तो तब ना जब पहले तुम में हो, तुम जगो, दूसरों को जगाओ। जिंदगी सब बेहोशी में काटे जा रहे हैं, उनको जरा झिझोड़ो, जगाओ, उठाओ, मुंह पे छींटे मारो, बोलो क्या कर रहे हो, इसलिए पैदा हुए थे, यही चाहिए था, जानवर की तरह चरे जा रहे हो, बस दो ही काम कर रहे हो, चरते हो, बच्चे पैदा करते हो, ये तो पशु भी करते हैं, तुम में और जानवरों में क्या अंतर है फिर? अपनी सेवा करें, आपके माध्यम से सबकी सेवा हो जाएगी।
और अपनी सेवा कैसे करें कि जो कुछ भी है तुम्हारे पास, पांव, हाथ, सर, वाणी, बुद्धि, स्मृति, संसाधन, उनको झोंक दो अपने बंधनों को तोड़ने में। यह ना करना कि तुमने अपने समय और अपने संसाधनों को और अपना बंधन ही बना लिया। उनका प्रयोग करना है। क्या है उनका उचित प्रयोग? मेरे पास कुछ है, उसका मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? तोड़ूंगा बंधन को। हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, और हाथों में अगर है जान तो उस ताकत का क्या उपयोग करना है? बेड़ियों को तोड़ने के लिए। ये थोड़े ही कि हाथों को ही अपनी बेड़ियां बना लिया। अपना एक एक पल समर्पित कर दो आजादी को। और बंधन क्या है ये तुम जानते हो। जो कुछ भी तुम्हारे मूल को बांधता है, तुम्हारी उड़ान को बाधित करता है, तुम्हें डर में और संशय में डालता है, वही बंधन। एस्ट्रोलॉजी का हम पे क्या कितना फर्क पड़ता है? शून्य, बिल्कुल भूल जाओ, एकदम दिमाग से निकाल दो ये सारी बातें। अभी मेरी बात सुनोगे या वो वहां सितारा है वहां से कुछ उतरेगा तुम्हारी मदद करने? उस सितारे से ज्यादा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर ये रेत डाल रही है, इसकी फिक्र कर लो। ये चांद, सितारों और ग्रहों उपग्रहों की बातें छोड़ो बिल्कुल। आदमी अपने आप को बहलाने के लिए बड़ी कहानियां देता है, बड़े खिलौने देता है। उन कहानियों में न तो कोई वैज्ञानिक आधार है और न कोई आध्यात्मिक आधार है, सिर्फ रूढ़ियां, अंधविश्वास है। विज्ञान से पूछोगे तो विज्ञान भी हंसेगा, और किसी संत से पूछोगे तो वो भी हंसेगा। नाष्टावक्र ने, न कृष्ण ने, न कबीर ने, किसी ने नहीं कहा है कि वहां से चांद तारों से तुम्हारे जीवन पर कोई असर पड़ता है, और विज्ञान तो कहता ही नहीं। हाँ, रूढ़ियां कहती हैं, ढकोसले कहते हैं। मेरा भरम सब दूर।